Hello, dear friends. This is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel, E-commerce Scholar. आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डिमांड का मतलब क्या है और साथ ही साथ कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं उसे भी अच्छी तरीके से समझेंगे। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रॉम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स टू नेट यूपीएससी प्रिपरेशन। बीकॉम एमकॉम में भी पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में, तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात की गई है मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड के मतलब को हमने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। यहां पे कहा जा रहा है, डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड उसे कहा जाता है जब उस कॉमोडिटी की नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, को जब कोई कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीदने के लिए उसके पास परचेजिंग पावर भी है, मतलब उसके पास पैसे भी हैं, उसके वो चाहता भी है और उसके पास पैसे भी हैं, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है, अलग अलग कीमत पे एक निर्धारित समय में, तो ये हो गया। अगर इसे हम समअप करें तो इसका मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अलग अलग प्राइसेस में जब किसी कॉमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी को जब कोई कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीदने की परचेजिंग पावर भी है उसके पास, तो उसे कहते हैं डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है, मैं चाह रहा हूँ एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए, ठीक है, मैं तो विलिंग है, विलिंगनेस है, साथ ही साथ मेरे पास परचेजिंग पावर भी है। जो मोबाइल फोन मैं खरीदना चाहता हूँ वो खरीदने का मेरे पास पैसा भी है, तो इसको हम बोलेंगे डिमांड। मैंने अभी परचेज नहीं किया लेकिन मैं खरीदना चाहता हूँ और पैसे भी है मेरे पास, ठीक है, तो यही होता है डिमांड इकोनॉमिक्स में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड्स की। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड और समझते हैं कि जो डिमांड है वो कितने टाइप्स के होते हैं। द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ गुड्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ द यूज ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। इन्होंने बोला कि जो भी डिमांड होती है, जो डिमांड के टाइप्स क्लासिफाई किए गए हैं अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर, जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ गुड्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ द यूज ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब फाइव मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, दूसरा एक्सांटे डिमांड एंड एक्सपोज डिमांड। एक्सांटे डिमांड को हम प्लांड भी कहते हैं और ये फ्यूचर के लिए होता है। एक्सपोज डिमांड जो होता है वो एक्चुअली एक्चुअल परचेज होता है, ठीक है, ये पास्ट आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि एक्चुअली मैं अपने कितना परचेज किया। एक्सांटे आप फ्यूचर में कितना परचेज करेंगे जो आप प्लानिंग कर रहे हैं। एक्सपोज एक्चुअली में आपने कितना परचेज किया, एक्सपोज डिमांड। अगला है ज्वाइंट डिमांड, फिर फोर्थ वन इज डिराइव्ड डिमांड एंड फिफ्थ वन इज कॉम्पोजिट डिमांड। आइए समझते हैं इन सारे टाइप्स ऑफ डिमांड्स को डिटेल में। आइए शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड से और समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो इंडिविजुअल डिमांड के लिए कहा जा रहा है कि इट रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी भी टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइसेस पे किसी भी कॉमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज को खरीदना चाहता है, मतलब विलिंग टू परचेज, और उसके पास इवन परचेजिंग पावर भी है, तो इसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी भी कॉमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी को खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे और खरीद सकता है, उसके पास पैसे भी हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की। देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए था, मार्केट डिमांड जो है वो इंडिविजुअल जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको कंबाइन कर देंगे तो मार्केट डिमांड हो जाएगा। आइए समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। It refers to the total quantities of a commodity that all the household are willing to buy at various prices during a given period of time. इसमें total quantities कहा गया है किसी भी एक particular commodity का, ठीक है, किसी भी एक particular commodity के अलग अलग quantities को जब सारे के सारे household combined खरीदना चाहते हैं,
उनके पास परचेजिंग पावर भी है अलग अलग प्राइसेस पे एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। साधारण भाषा में अगर इसे सम अप करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट डिमांड जब सारे हाउस होल्ड किसी भी कॉमोडिटी की टोटल क्वांटिटी को खरीदना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइसेस पे और उनके पास परचेसिंग पावर भी है, तो उसे हम मार्केट डिमांड कंसिडर करते हैं। अगर हम दोनों की डिफरेंस की बात करें तो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में सिर्फ एक अंतर है कि इंडिविजुअल एक इकलौते इंसान की बात की जा रही है, एक इकलौते हाउस होल्ड की बात की जा रही है। मार्केट डिमांड में सारे इंडिविजुअल्स या सारे के सारे हाउस होल्ड को सम कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है और टोटल क्वांटिटी की बात की जा रही है। आइए अब हम बात करते हैं एक्सांटे डिमांड एंड एक्सपोस्ट डिमांड। एक्सांटे डिमांड को कहा जाता है प्लांट या डिजायर्ड डिमांड, एक्सपोस्ट डिमांड को कहा जाता है एक्चुअली परचेज्ड। ठीक है, एक्सांटे का जो डेफिनेशन है वो ये है, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वॉन्ट टू और विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। साधारण भाषा में एक्सांटे डिमांड का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब कंज्यूमर किसी भी गुड्स की निर्धारित अमाउंट को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, दे आर विलिंग टू बाय, वो चाहते हैं, तो इसे हम एक्सांटे डिमांड कहते हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं कार खरीदने की, तो दिस इज एक्सांटे डिमांड, क्योंकि यह प्लांट है। ठीक है कि इस दीपावली पे हम एक कार खरीदेंगे, धनतेरस में हम एक कार खरीदेंगे, आप बात समझ रहे हैं एग्जाम्पल, तो दिस इज कॉल्ड एक्सांटे। मैं खरीदना चाहता हूं और मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन अभी यह प्लांट है क्योंकि दीपावली आने में अभी बहुत समय है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सांटे डिमांड। अब एक्सपोज का मतलब होता है जो एक्चुअली आपने परचेज कर लिया। एक्सपोज डिमांड में कह रहे हैं कि इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, अगर एक्सांटे की बात करें तो ये फ्यूचर टेंस हो गया, ये भविष्य की बात कर रहा है, और एक्सपोज की बात करें तो ये पास्ट की बात कर रहा है कि जो आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, आपने एक्चुअली ऑलरेडी खरीद लिया है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सांटे मतलब प्लांट या डिजायर जो आप भविष्य में खरीदेंगे, चाह रहे हैं खरीदना और आपके पास परचेजिंग पावर भी है। एक्सपोस्ट में इन्होंने कहा जो आपने एक्चुअली परचेज कर लिया है, ठीक है, पास्ट की बात, तो इट रिवर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। आइए जानते हैं और समझते हैं कि ज्वाइंट डिमांड किसे कहते हैं और डेराइव डिमांड किसे कहा जाता है। तो ज्वाइंट डिमांड के लिए कहा गया है कि इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली एंड डिमांडेड टुगेदर, एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। तो जॉइंट डिमांड का मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा गुड्स को जॉइंटली यूज भी किया जाता है तभी जॉइंटली डिमांड किया जाता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। तो जॉइंट डिमांड वो गुड्स होते हैं जहां दो या दो से ज्यादा गुड्स को हम जॉइंटली इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसीलिए जॉइंटली डिमांड करते हैं। ठीक है, उसे जॉइंट डिमांड कहा जाता है, जैसे कार पेट्रोल ब्रेड बटर, इनका साथ ही इस्तेमाल होता है, अदरवाइज यूजलेस है। डिराइव डिमांड की बात करें तो डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कॉमोडिटी इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। अब किसी दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड के वजह से जब कुछ कॉमोडिटीज की डिमांड अराइज होती है तो उसे हम डिराइव डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टील, वुड, स्टोन, डिमांड फॉर दीज गुड्स अराइजेस टू मेक बिल्डिंग हाउसेस एक्सेट्रा। मतलब आप समझ रहे हैं कि घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो आपको स्टील की जरूरत पड़ेगी, वुड की जरूरत पड़ेगी, स्टोन की जरूरत पड़ेगी। मतलब हाउस की डिमांड जनरेट करती है स्टील की डिमांड, वुड की डिमांड, स्टोन की डिमांड, तो दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। जब किसी एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड बाकी चीजों की डिमांड को अराइज करती है तो दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइंट डिमांड एंड डिराइव डिमांड किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है। लास्ट में है हमारा कॉम्पोजिट डिमांड, और कॉम्पोजिट डिमांड में कहा जा रहा है कि डिमांड फॉर अ गुड दैट हैव मल्टीपल यूजेस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। कोई भी एक ऐसा गुड जिसकी मल्टीपल हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे कॉम्पोजिट डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर स्टील अराइजेस फॉर मेकिंग बस बॉडीज, कूलर्स, यूटेंसिल्स। मतलब स्टील की डिमांड क्यों जनरेट होती है, क्योंकि स्टील से आप बस की बॉडी भी बना सकते हैं, स्टील से आप कूलर भी बना सकते हैं, स्टील से आप यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं, स्टील से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड में
हम एक चीज से अलग अलग चीजों को बना सकते हैं तो उसे हम कॉम्पोजिट डिमांड कहते हैं। इट हैज सेवरल ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो आपने स्टील ले लिया तो स्टील का आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे वुड भी होता है, वुड का भी हम अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड का मतलब क्या है, और टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन से हैं, और उनका मीनिंग क्या है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।